नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। झारखंड की राजधानी रांची में एनडी अलायंस की रैली हुई। उस रैली का नाम दिया गया उलगुलान। ये उलगुलान जो है ये क्या है? तमाम दलों के शीर्ष नेता रांची पहुंचे और फिर वहां से एक आवाज उठी, उलगुलान। राजनीति में जो नारे गढ़े जाते हैं, जो आवाज लगाई जाती है, उनके अपने मायने होते हैं और इनको समझना बहुत जरूरी होता है। उलगुलान स्थानीय आदिवासी शब्दावली का शब्द है। क्रांति, जाहिर है जब शब्द है तो उसका कोई इतिहास भी हो सकता है। इतिहास ये है कि बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो क्रांतिकारी हमारे रहे, उनकी जब सूची पढ़ी जाती है तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा का भी जिक्र आता है। मुंडा आंदोलन 1899 से लेकर के 1900 के बीच में एक बड़ी क्रांति, ब्रिटिश हुकूमत जमींदारों और साहूकारों की ज्यादती, जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ हुआ और उसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की उन इलाकों में जो आदिवासी इलाके थे चूल्हे हिला दी। बड़े पैमाने पर जुल्म हुआ, दमन हुआ, लेकिन उसके आगे नहीं झुकने और आजादी का अलख जगाए रखने का जो साहस था, जो शौर्य था, जो बलिदान था, उसकी गाथा की बुनियाद है उलगुलान, क्रांति। अब सवाल यह है कि एनडी अलायंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनके जेल जाने और केंद्र की सरकार की तरफ से हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयां करने का आरोप लेकर जो मंच तैयार किया गया रांची में, उसके पीछे की आवाज थी उलगुलान। क्या ये सही है? बीजेपी कहती है कि एक पाक शब्द, एक पवित्र शब्द, देश की आजादी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उठी हुई आवाज उलगुलान, बिरसा मुंडा और आदिवासी सत्याग्रह संग्राम और देश की आजादी खातिर एक खूनी संघर्ष जिसके पीछे उद्देश्य पवित्र था, उसको आप आज की तारीख में बेईमानी, लूट खसोट और झूठ फरेब, लोगों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी से जोड़ करके अगर आप लोगों के बीच में रखते हैं और फिर आप अपने मंच का नाम उलगुलान देते हैं या मन से उलगुलान की आवाज करते हैं, तो ये नाइंसाफी है, ये गलत है। हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप है कि जमीन को हड़पने के लिए गलत तरीके से कागज बनाए गए, जालसाजी की गई, झूठ फरेब किया गया, एक बड़ा सा सिंडिकेट तैयार हुआ। उस सिंडिकेट ने जल, जंगल, जमीन, जिसकी लड़ाई आदिवासी समाज लगातार करता रहा, उसके हितों के खिलाफ यह सिंडिकेट काम करता रहा, इसलिए उनको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, गिरफ्तारी हुई और जेल में है। खदान मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम करा लेने और इस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से अपनी जायदाद का हिस्सा बनाने का दुस्साहस जो व्यक्ति करता है वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। और उसके लिए जो मंच तैयार किया गया विपक्ष का, वहां से उलगुलान की आवाज नहीं उठ सकती है, यह बीजेपी कह रही है। एक आदिवासी कवि रहे हैं, हरिराम मीणा, उनकी कविता है, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता, मुझे भी जंगल से कोई बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। यह जो भारत के आदिवासी समाज के भीतर अपनी जमीन, उसके जंगल और जल यानी कि संसाधन के साथ
सदियों का जुड़ाव है, लगाव है, उसके जीवन का जो अटूट हिस्सा है, उस हिस्से पर दावेदारी उसके अधिकार का नाम है उल गुलाम। उससे उसको हटाने, बेदखल करने के खिलाफ जो क्रांति है वो है उल गुलाम। और बीजेपी कहती है कि जिन आदिवासियों की बेहतरी, विकास, उनके जीवन स्तर को उठाने, जंगल, जल, जमीन पर उनके हक को बकायदा बनाए रखने के नाम पर सरकार बनी, उस सरकार ने इन्हीं के खिलाफ काम किया, इसलिए उल गुलाम से इसका कोई नाता रिश्ता हो ही नहीं सकता है। तो अब राजनीति में केंद्र की सत्ता और झारखंड में जो राज्य की सत्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चंपई सोरेन आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, और कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो भी मंच पर थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर थी, और तमाम दलों के नेता थे। कोशिश ये की जा रही है झारखंड के लोगों को समझाने की कि ये जो जमावड़ा है, ये जो जमघट है, यह जमघट केंद्र की नीतियों के खिलाफ है जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तमाम विरोधी दलों को दरकिनार करने या गैर कानूनी तरीके से उनको फंसाने और अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। और केंद्र की सरकार कहती है और बीजेपी कि जितने भी वंशवादी दल हैं वो अपनी प्रकृति में भ्रष्ट हैं। वंशवाद और भ्रष्टाचार, इन दोनों का नाव नाली का रिश्ता है, और जब तक खानदान के दायरे से राजनीति बाहर नहीं होती है तब तक भ्रष्टाचार मुक्त भी नहीं हो सकती है। इसलिए लोगों के हित में, देश के हित में, समाज के हित में चलने वाली राजनीति या राजनीति के आधार पर तय की गई सत्ता, बनाई गई सत्ता तभी कारगर हो सकती है जब वो परिवार के दायरे से बाहर निकले और उत्तर से दक्षिण तक जितने भी परिवार हैं जो राजनीति में हैं, या परिवारवादी राजनीति जो होती रही है, उनका जो मूल चरित्र है वो भ्रष्टाचार का है, ये बीजेपी दावा करती है। लोगों के बीच में यह संदेश बार बार प्रधानमंत्री अपने मंचों से भी पहुंचाते हैं, और एक नैरेटिव है जो इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी और केंद्र की सरकार की तरफ से तैयार किया गया है लोगों के बीच में, कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं यह सत्ता देश को, समाज को, आम आदमी को लूटने वाली व्यवस्था को जिम्मेदार, जवाबदेह ठहराने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलवाने का काम करती रहेगी। अगर वैसी कोई व्यवस्था कहती है उल गुलाम तो उल गुलाम का अपमान है, और जो वहां लोग हैं मंच पर वो कहते हैं उल गुलाम, यानी कि उनके साथ नाइंसाफी है और उस नाइंसाफी के लिए इंसाफ की आवाज उल गुलाम। लेकिन रांची से दिल्ली के बीच में ये जनता देश की तय करेगी कि उल गुलाम जो रांची के मंच से उठा उसके साथ वो खड़ी है, या फिर केंद्र की सरकार जो ये कहती है कि देश को लूटने, खसोटने और परिवार के बीच में राजनीति को हमेशा बनाए रखने की जो मानसिकता रही है उसके खिलाफ उसका जो रवैया है, कार्रवाई है, वो उल गुलाम है। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उल गुलाम को लेकर के आज आपसे बात करूं, और देश की राजनीति में खास करके तब जब चुनाव हो रहे होते हैं तो बहुत तरह के नारे, नौटंकी, नैरेटिव, नखरे सब चलते रहते हैं। इसके बीच में आम आदमी के लिए जरूरी क्या होता है कि वो असलियत को देखे, पहचाने और अपने विवेक से फैसला करे। फैसला भी हमारे या किसी और के कहने से नहीं होना चाहिए आपका, हमारा काम आपके सामने स्थितियों को रखना होता है, और तमाम तरह की स्थितियों को जब आप रखते हैं, जिनको आप परिस्थिति कहते हैं, उसके बीच में अपने विवेक से, अपने तर्क के आधार पर जो भी निर्णय कहते हैं आप, वो देश के हित में होता है, और लोकतंत्र की ताकत उसी के जरिए बढ़ती है, और उसी के आधार पर आप वोट देते हैं। आपके वोट की कीमत आपके विवेक के जरिए तय होती है, आपके अपने फैसले के माध्यम से तय होती है, और उल गुलाम का अगर सही मायने है आज की तारीख में लोकतंत्र में तो यही है। आप दीजिए मुझे विदा, नमस्कार।